हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में अचानक आई अवैध निर्माणों की बाढ़ को लेकर के कुछ दिन पहले ठाणे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव मनोहर सुखदरे और उनके तमाम साथी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने ठाणे मनपा आयुक्त और मनपा मुख्यालय उपायुक्त को एक निवेदन देकर के इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की मांग की थी। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उन्होंने भूख हड़ताल करने की जो है चेतावनी भी दी। आज इसी मुद्दे पर भाजपा ठाणे जिला महासचिव मनोहर सुखदरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। क्या उन्होंने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या उनके मुद्दे हैं, आइए जानते हैं हम मनोहर सुखदरी जी। नमस्कार। ये मुमरा प्रभाग में जो जोर शोर से इनलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू है और जो पीने का पानी का चोरी का जो समस्या थी, और जो पीने का पानी का चोरी हो रहा था, इसके बारे में हम लोग ने गए एक महीने से मुमरा प्रभाग समिति आयुक्त को निवेदन दिया था। वैसे हम लोग ने आयुक्त संजीव जसवाल को भी दिया था और उपायुक्त बुरकेले साहब को भी हम लोग ने निवेदन दिया था कि मुमरा में लगातार एक महीने से 15 से 20 जगह पे लेके इनलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू है, और उसके बारे में इनलीगल कंस्ट्रक्शन तो शुरू है उसके बाद भी उसको जो पीने का पानी जो यूज़ हो रहा था, जो लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और जो चोरी छुपे से ये पीने का पानी भी यूज़ हो रहा था, इसके लिए हम लोग ने एक महीना पहले हमारे पदाधिकारी जो है इसाक मुलानी जी, शादाब शेख जी, शबीर जी, इन्होंने वहाँ पे निवेदन दिया था कि इसके बारे में तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन लगातार एक महीने से मांग करने के बाद में भी हमारी कार्रवाई पे, हमारे निवेदन पे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसके लिए हम लोग ने गए हफ्ते में उपायुक्त और आयुक्त सबको हम लोग ने निवेदन दिया था कि हम लोग सोमवार को रमज़ान के बाद ईद के बाद में हम लोग अनशन पर बैठने वाले हैं, और अनशन पर बैठने के लिए हम लोग ने जब भी उनको निवेदन दिया था, हमने पत्रक दिया था, उसके बाद कल उपायुक्त अशोक बुरकोले जी ने हमें बुला के थाने महानगर पालिका में हमसे चर्चा की, और चर्चा के दौरान उन्होंने सहायक जी को फ़ोन करके बुला कि फलाना फलाना जगह पे 15-20 जगह पे जो काम चालू है उसको तुरंत बड़ी कार्रवाई लेके उसको निष्कासित किया जाए, और उन्होंने हमें 10 तारीख का आश्वासन पत्रक दिया हुआ है कि ये 10 तारीख को हम लोग बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर देंगे और जहाँ जहाँ भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू है उसको हम लोग बड़े पैमाने पर उसको निष्कासित कर देंगे। उनके इस लिखित आश्वासन के बाद हम लोग ने हमारा 10 तारीख का जो अनशन का जो हम लोग ने दिया था इशारा, वो हम लोग ने तात्पूर्त स्वरूप में उसको स्थगित किया है। अगर ये कार्रवाई मन मुताबिक, मतलब पूरे जड़ से नहीं उखाड़ दिए, अगर वो तात्पूर्ति मतलब छोटा मोटा कार्रवाई अगर इन्होंने दिखा दी तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे और बाकायदा जो कोर्ट के हिसाब से जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो पूरी करके संबंधित अधिकारी और संबंधित लोगों पर गुनाह दाखिल करने के लिए हम लोग मांग करेंगे। मनोज जी, एक बात बताइए, आप अवैध निर्माणों का मुद्दा उठा करके चल रहे हैं, उसमें पीने के पानी की किल्लत चल रही है लेकिन पानी वहाँ अवैध निर्माणों को दिया जा रहा है। इस पूरे जो अवैध निर्माणों का जो रिंग है, पूरा इसका जो खेल चल रहा है मुमरा कौसा में, इसके लिए खास करके मनपा के कौन से अधिकारियों, कौन से कर्मचारियों को आप जिम्मेदार मानते हैं? देखो, यहाँ पे जो मनपा के जो अधिकारी है, पहले तो महापालिका के सहायक आयुक्त जी है, उन्होंने ये बांधकाम इनलीगल जो कंस्ट्रक्शन, उनको 6 महीने पहले हमारे ये कार्यकर्ता उपोषण पे बैठा था, तभी उन्होंने हमें एक पत्रक दिया था और उसमें उन्होंने पूरी उनके साक्षरी से दिया था कि हम लोग मुमरा में कौन सा भी इनलीगल नया काम शुरू नहीं होने देंगे, ऐसा हमें लिखित स्वरूप में 6 महीने पहले पत्रक दिया हुआ था और उसकी कॉपी भी हमारे पास में। वही स्मरण हम लोग ने गए महीना भर पहले उनको किया था कि हमें जो लिखित आपने आश्वासन दिया था लेकिन उसके बावजूद जो काम शुरू हुआ है वो आप तुरंत उसके रोका जाए। महानगर पालिका के जो उधर के संबंधित अधिकारी जो है वही उसके जिम्मेदार है, वही उनके जिम्मेदार है। पानी की चोरी हुए, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और जो पीने का पानी है वो स्लैब के लिए और बांधकाम के लिए यूज़ हो रहा है। हमें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है मुमरा के हमारे भाइयों बहनों को, हमारे भाइयों बहनों को टैंकर का पानी पी रहा है। इससे भले जिल्लत की बात क्या हो सकती कि पीने का पानी पीने को नहीं मिल रहा है और बांधकाम को, इनलीगल बांधकाम को यूज़ कर रहे हो। अच्छा मनोहर जी, 4 तारीख को ठाणे महानगर पालिका के मुमरा प्रभाग कार्यालय के अतिक्रमण विभाग के क्लर्क रमन उर्फ भूषण भैरव को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया एक अवैध बिल्डिंग के ऊपर। उस बिल्डर ने, साबिर शाह नाम का बिल्डर है, उसने शेड डाला था, उसके लिए उन्होंने पैसे मांगे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा, और साबिर शाह की जो FIR दर्ज हुई है
उसमें भी साफ तौर पर कहा गया है कि अमित गडकरी करके जो क्लर्क है मुंब्रा अतिक्रमण विभाग कार्यालय के, उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर, उनके कहने पर ये रिश्वत मांगी गई थी, ये पूरा काम किया गया था, मगर अब तक अमित गडकरी पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। और जो जानकारी सामने आ रही है तो मुंब्रा कौसा में जितने भी अवैध निर्माण अभी चल रहे हैं उन सब के सूत्रधार जो है, लेन देन का जो मामला है वो ऐसा बताया जाता है कि अमित गडकरी ही करता है, तो क्या मांग करेंगे आप अमित गडकरी जैसे मनपा कर्मचारियों के लिए? देखो, इसमें ऐसा है कि जो अवैध जो बांधकाम जो शुरू है उसमें हमारे वार्ड के नगर सेवक भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर नगर सेवक का अगर प्रभाग का विकास उसको करने का है तो अच्छी तरह से लीगल करना चाहते हैं। सुनिए, उसमें ऐसा है कि नगर सेवक को भी मालूम होना चाहिए कि उसके वार्ड में इनलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू है कि नहीं शुरू है, बराबर है, वो भी उतने ही जिम्मेदार है। और उसके साथ में जो अभी आपने जो नाम लिया, जो अमित गडकरी जी होने दो या दूसरे जिन्होंने अभी उन जिनके ऊपर FIR दर्ज हुए उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो गए, भैरव जी ऐसे जो अधिकारी है जो पैसा लेके अवैध निर्माण को सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करते हैं। मान लीजिए अभी आपने अपना उपोषण स्थगित कर दिया है, ये उपोषण स्थगित करने के अलावा जिस तरीके से आपकी सोच है वैसी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, हम लोग ने ऑलरेडी पत्र का भी दिया हुआ है कि ये हम लोग ने जो स्थगिति उपोषण के लिए, क्योंकि कैसा है कि रमज़ान का महीना शुरू था और उन्होंने रमज़ान का महीना शुरू है आचार संहिता का कारण देते हुए कार्रवाई आगे पीछे की है, लेकिन हम लोगों ने भी ईद के दिन के बाद का ये दिन चुना था क्योंकि लोगों को तकलीफ नहीं हो और हमारे जो भाई है, हमारे जो पदाधिकारी है वो भी हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक के, तो उनकी वजह से हम लोगों ने ईद के दिन का बांध चुना था कि हम लोग अनशन पे बैठेंगे करके। और उसके बाद में जैसे उपायुक्त से बात हो चुकी है और हमें पॉजिटिवली ऐसा लगता है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी ऐसे हमें लगता है, लेकिन इसके बावजूद अगर कार्रवाई खाली दिखावे के लिए हो रही है तो हम लोग ना अनशन पे बैठेंगे ना करेंगे, हम लोग कायदेसर न्यायालय में जाएंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कोर्ट के मार्फत हो जाए, न्यायालय की प्रक्रिया के मार्फत हो जाए, ये हम लोग करेंगे। क्या मनोहर जी, वर्ष 2009 के राज्य सरकार के GR के मुताबिक जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है हर प्रभाग कार्यालय में मनपा का, या फिर सहायक आयुक्त होता है उसकी जगह पर, अगर वो अवैध निर्माणों में संलिप्त पाया जाता है या वो अभय देता हुआ नजर आता है या उसकी मिलीभगत नजर आती है, तो क्या आप मांग करेंगे ऐसे दोषी अधिकारियों पे गुनाह दाखिल करने का, क्योंकि वो GR में वैसा प्रावधान किया गया है? जो GR है वो महाराष्ट्र सरकार का है और GR को कोई भी आप, हम कोई भी उसको ना इसकी नहीं कर सकते, उसको कबूल नहीं कर सकते, वो 100% सरकार का GR है, वो GR के हिसाब से अगर कायदे कानून के हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न्यायालय में जाके इसे कड़ी से कड़ी इसके ऊपर कार्रवाई हो और जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर तुरंत गुनाह दाखिल किया जाए, ये मांग करेंगे। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।